हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उत्पादकों का बड़ा योगदान होता है, लेकिन इस बार बागवान सूबे में सड़कों के खस्ता हाल को लेकर काफी परेशान है। दरअसल शिमला के लिंक रोड की स्थिति दयनीय है, तो वहीं शिमला हाटकोटी रोहड़ू सड़क पर काम चल रहा है। देखते हैं शिमला से मोहित प्रेम शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब तो सेब का सीजन भी शुरू होने वाला है, लेकिन सड़कों की खस्ता हालत ने सेब कारोबारियों को अभी से डराना शुरू कर दिया है। शिमला के लिंक रोड की स्थिति तो और भी दयनीय हो चली है। शिमला हाटकोटी रोहड़ू सड़क का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आजकल हमारे बरसात शुरू हो गई है और रोडों के हाल आप देख रहे हैं, इतने बुरे हाल है कि शायद इस बार सीजन लगाना बहुत मुश्किल है। जगह जगह में गड्ढे हैं, बरसात के कारण बहुत बुरे हाल हुए हैं सर, सेब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस रोड की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर भी सेब सीजन शुरू होने वाला है और ये जो रोड है इसका हाल इतना बुरा है कि इसमें सेब सीजन मुझे लगता नहीं है कि सेब आसानी से मार्केट में पहुँच पाएगा। राष्ट्रीय उच्च मार्ग की स्थिति भी बदहाल है। बागवान सरकार से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि शिमला कोटखाई रोहड़ू मार्ग की स्थिति तो पहले से काफी अच्छी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सेब कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। अब काफी बेहतर हो गया, रोहड़ू से लेकर और कोटखाई से लेकर काफी बेहतर है। मैं भी गई थी एक दो बार दौरे में, तो मैंने देखा पहले से बहुत बेहतर है। वो तो है, हर जगह तो कमी तो रहती है, पर हम नहीं समझते कितनी दिक्कत है। इस बार इतनी दिक्कत नहीं होगी। सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अकेले शिमला में ही हर साल करोड़ों का सेब का कारोबार होता है। ऐसे में इन बदहाल सड़कों के जरिए सेब उत्पादक के लिए इस बार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दे पाना मुश्किल ही नजर आता है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।